नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। कहते हैं ना कि प्यार पर किसी का जोर नहीं होता। प्यार कब और कैसे हो जाता है किसी को पता तक नहीं चलता। वो चाहे इंसान, जानवर, भगवान, किसी से भी प्यार कभी भी हो सकता है। आपने वो गाना तो सुना होगा कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दरअसल ये गाना एकदम सही साबित कर चुकी है एक लड़की जो उत्तर प्रदेश की है और उसको श्री कृष्ण से ऐसी लगन लग गई है कि अब वो लड़की उन्हीं के कामों काज में लग गई है, उन्हीं के प्रेम में इतनी मगन हो गई है कि उनसे शादी कर बैठी है। दरअसल इस लड़की की क्या है पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में औरैया ज़िला के कस्बा विधुना में कृष्ण भक्ति में लीन एक युवती ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए उनके साथ सात फेरे लेते हुए विवाह कर लिया। इस विवाह में परिजनों और रिश्तेदारों की सहमति रही। आधिकारिक सूत्रों ने बीते सोमवार को बताया कि कस्बा विधुना के भरथना रोड निवासी पूर्व प्रधानाचार्य और कवि रंजीत सिंह सोलंकी की पुत्री मझली बेटी रक्षा ने बीते शनिवार को हिंदू रीति रिवाज के साथ घर में परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए उनकी मूर्ति के साथ सात फेरे ले लिए। पंडित रुद्रदेश शुक्ला ने विवाह की सभी रस्में अदा कराई। समाज शास्त्र से एमए रक्षा ने कहा कि वो बचपन से भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और उनमें लीन रहते हुए घंटों उनकी पूजा करती थी। घर पर जब परिवार का उन पर शादी करने का दबाव पड़ा तो उन्होंने भगवान कृष्ण से शादी करने का निर्णय लिया, जिससे सभी सदस्यों को अवगत करा दिया, जिसके बाद परिवार और लोगों की सहमति से उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ फेरे ले लिए और उन्होंने कहा कि अब मैं कन्हैया की और कन्हैया मेरे हो गए हैं। रक्षा की शादी भगवान कृष्ण के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे विधि विधान के साथ पंडित की मौजूदगी में हुई। इस दौरान जहां हिंदू विवाह के तहत सभी रस्में अदा की गई, वहीं विवाह के दौरान मौजूद रहे लोगों को भोजन आदि का भी प्रबंध किया गया। इससे पूर्व युवती ने परिवार के सभी सदस्यों को भगवान से शादी के लिए मना लिया था और विवाह के लिए 11 मार्च की तिथि निश्चित हो गई थी। रक्षा ने बताया कि उनका भगवान कृष्ण से लगाव था, उसे काफ़ी दिनों से सपने आ रहे थे। दो बार सपनों में भगवान ने उसे गले लगाया और वरमाला भी डाला। चारों ओर से शादी का दबाव बन रहा था तो मैंने किसी युवक के बजाय भगवान से ही शादी कर ली, ऐसा रक्षा बताती है। तो ये रही रक्षा की कहानी, किस प्रकार वो श्री कृष्ण से ऐसी लगन लगा बैठी जिसके बाद वो शादी कर बैठी और अब वो श्री कृष्ण की हो गई है और श्री कृष्ण उसकी हो गई है, ऐसा वो कहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ फोर नेशन, धन्यवाद।